हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वाइट स्टडी जोन। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और देखेंगे कि आखिरकार इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में बने हैं, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो या फिर आपका NTPC का एग्ज़ाम क्यों ना हो। दोस्तों, ये बुक जो अगर हम सच कहें तो ये बुक आपके लिए कंप्लीट जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इस बुक से संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो उसकी बुक की प्लेलिस्ट का लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इस कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ पर निहित है। देखिए, अगर हमको कल्याणकारी राज्य का विचार देखना है तो ये विचार हमको कहाँ पे मिलेगा, मूल अधिकारों के अंदर, या फिर ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, या फिर ऑप्शन सी संविधान के प्रस्तावना में, या फिर ऑप्शन डी संविधान के भाग 8 में। दोस्तों, अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये क्वेश्चन आपका SSC मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, तो यही सेम एग्ज़ाम सेम स्टेटमेंट के साथ RRB अजमेर NTPC के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर एक एस्पिरेंट के लिए। सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक तत्व में कल्याणकारी राज्य का जो विचार है ये क्या है, इसमें निहित है। अब बात करते हैं कि कौन सा भाग है दोस्तों, तो भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 4 है इसके तहत दोस्तों राज्य के नीति के निदेशक तत्व के तहत राज्य की जो भी नीतियां होंगी उनको रन किया जाएगा राज्य के अंदर, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य के लिए आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया और राजनीतिक लोकतांत्रिक विकास को सुनिश्चित करता है आपका क्या, राज्य के नीति निदेशक तत्व। मतलब कि नीति का मतलब क्या हो गया, रूल्स, निदेशक का मतलब क्या हो गया, गाइडेंस कह सकते हैं इसको हम। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे राज्य के अंदर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को कौन से भाग में सुनिश्चित किया गया है, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो हमको ध्यान रखना है। और हम देखेंगे इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय जो होता है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व के माध्यम से क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्व को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट होता है वो होता है कहीं पर भी नहीं, मतलब कि वो कहीं नहीं जाएगा। देखिए, राज्य नीति निदेशक तत्व के बारे में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि वाद विवाद जो आपका भाग नंबर 4 है ये वाद विवाद योग्य है ही नहीं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, पहला पॉइंट तो ये हो गया। देखिए, इसका कहने का अर्थ क्या था इस क्वेश्चन का, थोड़ा समझना कि अर्थात इनका उल्लंघन होने पर नागरिक राज्य के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकता, इसलिए राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः इन्हें लागू करना राज्य का क्या होता है, नैतिक दायित्व होता है। बस इतनी चीज़ आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। सबको मालूम होगा तो जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको भाग 4 बताया था मैंने, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था भाग 4। तो ये जो भाग 4 है ना, इसको तरीके से एक बार एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में आलोचकों ने राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में अलग अलग अपनी राय दी थी, बट KT शाह के अनुसार, जो KT शाह ऑप्शन ए में देख रहे हैं, KT शाह के अकॉर्डिंग राज्य की नीति के निदेशक तत्व या सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधा अनुसार करता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कई बार, SSC CHSL 10+2 2012 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका NTPC रांची के एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संदर्भित है? भारतीय संविधान के राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आर्टिकल नंबर जो आप 39 का देख रहे हैं दोस्तों, इसमें राज्य का कर्तव्य बताया गया है। किसका? राज्य का कर्तव्य बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों, ये कौन से संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो लाइन है, ये ऐड करी गई थी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि ये कब हुआ था। चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया था मैंने, शायद आपको चैप्टर नंबर 2 याद होगा अब तक। अगर याद है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। 42वां संशोधन आपका हुआ था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? राइट, तो देखते हैं आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा। ये आर्टिकल नंबर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 40। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 40 के अकॉर्डिंग राज्य की जो बात होती है दोस्तों, वो इसमें क्या होती है? संदर्भित होती है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे, और इससे संबंधित आर्टिकल नंबर क्या हो गया आपका? 40। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम राज्य के माध्यम से, जी हाँ, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में सबसे पहले किसने कहा था? देखिए, राम राज्य के नाम से आपको याद होगा कि एबीपी न्यूज़ में बहुत अच्छी सीरीज़ आई थी नीलेश मिश्रा की। तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो एक बार सीरीज़ पक्का देखिएगा, इससे आपको जानकारी मिलती है कि राम राज्य का सही अर्थ वास्तव में होता क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 41 के अकॉर्डिंग कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार संदर्भित है, इन तीनों का। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के जो भाग 4 में राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 41 में राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि वह नागरिकों को काम पाने का अधिकार दे, शिक्षा का, एजुकेशन का अधिकार दे, ठीक है ना, बुढ़ापा, बीमारी और जो भी हमारे निःशुल्क जो दवाई वगैरह होती है वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। और ये होता है आपका ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है ना। ये सब क्या, ये सब बातें एक मानव का एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल नंबर कर्मचारियों के काम के न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है? देखिए कितनी टफ क्वेश्चन थी, स्टेटमेंट कितनी टफ थी, और ये आपका SSC ऑडिट एग्जाम हुआ था आपका 2003 में, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सब बच्चे अच्छे से ध्यान रखिएगा, और यही क्वेश्चन आपका NTPC चंडीगढ़ में भी पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। और दोस्तों, अगर आप RRB के अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों एग्ज़ाम के अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि ये केवल इन्हीं दो डिपार्टमेंट के लिए वीडियो था। नहीं, GS पे किसी का कोई कॉपीराइट नहीं होता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके कोई भी डिपार्टमेंट यूज़ कर सकता है, चाहे वो UPSC हो, UPSSSC हो, या फिर कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो इसलिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पेन डाउन करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि संविधान का अनुच्छेद 45 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संदर्भित करता है? तो 15 का राइट आंसर इज ऑप्शन से, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। और इसको जोड़ा गया था अगेन 42 का जो हमारा संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और ये बात इसमें जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संदर्भित है? सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन से, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? सो राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू की गई है? देखिए भारत के, देखिए गोवा राज्य में, जब आप ऑप्शन डी देख रहे हैं, भारत के गोवा राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू की गई है, जिसके अंतर्गत बहुविवाह, मौखिक तलाक का निषेध, पति या पत्नी के साथ संपत्ति साझा करना
उत्तराधिकारी शामिल, ये सब चीज़ें इसमें रखी गई हैं। तो बस आपको स्टेट याद रखनी है और ये क्या चीज़ होती है सिविल संहिता, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 19। राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? लास्ट वीडियो में आपको बताया था हमने इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 ईयर तक। और यहाँ पे इससे संबंधित आप संशोधन ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल नंबर जो 45 है उसके तहत दोस्तों जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो निःशुल्क अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे, और जो आपके 0 से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो आंगनवाड़ी जा सकते हैं, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक संशोधन था वो था आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ था 2002 में। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 21 जो आपका का है, इसके तहत दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य सहायता प्रदान की गई है, और यही आपका निःशुल्क शिक्षा कौन सा अधिकार बन चुका है, तो ये बन चुका है आप मौलिक अधिकार, ठीक है ना। ये क्या उनका, ये है उनका मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन पर वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संदर्भित करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस नीति निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव हमको देखने को मिलता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गौवध पर निषेध। और इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो इसका उल्लेख है आपका आर्टिकल नंबर 48 पर। अब गांधी जी का क्या थॉट थी, गांधी जी के थॉट के अकॉर्डिंग दोस्तों कि गाय बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक और उनकी नस्लों को प्रोत्साहन देना चाहिए, इसकी तरफ उनका विचार बहुत अधिक था महात्मा गांधी का, और इसका उल्लेख किया गया आपका आर्टिकल नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र सरकार को गौ वध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है नीति के निदेशक तत्व के अनुच्छेद नंबर 48 से, अनुच्छेद नंबर 48 से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 24, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो वो संशोधन था आपका कौन सा, ये था 42वां संशोधन। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस वाद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर वरीयता दी थी? राइट आंसर इज, एक दोस्तों जो आपका एक वाद विवाद था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो था हमारा क्या, मिर्नवा मिल्स वाद। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल नंबर 335। सो फ्रेंड, इस चैप्टर में मात्र केवल 26 ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और हमको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक जितना शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर फेसबुक पेज पर शेयर करिए। आप भी आगे बढ़िए, औरों को भी आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिएगा। अगर आप आज किसी अपने फ्रेंड की सहायता करते हैं, क्या पता कल इससे भी कई गुना अधिक वीडियो उसको मिल जाए तो वो आपको कर देगा शेयर। तो नॉलेज को प्लीज़ रोकिए मत, नॉलेज को सीमित मत करिए, बांटिए। जी हाँ, जितना बांटेंगे उतना ही क्या होगा कि आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जिसका रिप्लाई आपने मुझको करना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कि इस वीडियो में आपका अटेंशन कितना परसेंट था, उस क्वेश्चन के माध्यम से पता चल पाएगा। तो आज का मैंने पूछा था क्वेश्चन आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? इसके आर्टिकल नंबर 4 थे, ऑप्शन 4 थे। पहले में था आपका आर्टिकल नंबर 36, ऑप्शन बी आर्टिकल नंबर 39, ऑप्शन सी आर्टिकल नंबर 40 एंड ऑप्शन डी इज आर्टिकल नंबर 48। अगर आप इसका आंसर दे पाते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे लिखिएगा, COD लिखिएगा और इक्वल टू में लिखिएगा ऑप्शन ABCD या फिर आर्टिकल का नंबर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपने पूरे तरीके से देखा होगा, और पिछले वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का लिंक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।